वेलकम टू माय चैनल टॉप टेक्नोलॉजी। टॉप टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम आपके लिए सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग जानेंगे किस तरह से किसी भी सीट के नाम को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से किसी भी सीट के डेटा को एक सीट से दूसरे सीट में हम लोग कॉपी कर सकते हैं या मूव करा सकते हैं, और टैब का कलर किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। टैब के कलर के लिए शॉर्टकट कीज और एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रोसेस हम लेके आए हैं आपके लिए। जो भी प्रोसेस आपको इजी लगता हो, जो भी प्रोसेस आपको आसान लगता हो, उस प्रोसेस को आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि पहले से आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ अपने वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप देख सकते हैं हम दो फाइल को ओपन किए हैं। एक एक्सेल का फाइल है एज कैलकुलेटर, और दूसरा एक फाइल को हमने ओपन किया है अंडर 40। तो ये दो फाइल हमारा अभी ओपन है। तो पहला चीज है रीनेम, तो हम लोग रीनेम करेंगे। तो किस तरह से हम लोग किसी भी सीट के नाम को चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फाइल खुला हुआ है, इसमें एक का नाम है एज, दूसरे का नाम है कैलकुलेटर, और तीसरे सीट का नाम है सीट 3। तो हम सीट 3 का नाम चेंज करते हैं। तो सीट 3 का नाम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में सबसे पहले तो सीट 3 को हम लोग एक्टिव कर लेंगे। ये अभी हमारा सीट 3 ही एक्टिव है। फॉर्मेट में आएंगे, रीनेम सीट को क्लिक किए। अब यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया। इस जगह पे हम कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे मान लिया जाए मार्कशीट, हमने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया मार्कशीट, तो ये इसका नाम हो गया मार्कशीट। आप देख सकते हैं इसका नाम, सीट का नाम हो गया मार्कशीट। या दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, जिस भी सीट का नाम चेंज करना है तो जस्ट इस तरह से राइट बटन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीनेम है। रीनेम को भी क्लिक करके हम यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। फिर से हम इसका नाम कर रहे हैं सीट 3, ये सीट 3 इसका नाम चेंज हो गया। तो इस तरह से आप अपने सीट का के नाम को चेंज कर सकते हैं। दूसरा चीज है, आप यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं कि हमने सीट का नाम चेंज करने का आपको दो प्रोसेस बताया। तीसरा प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है कमांड है मूव और कॉपी सीट। अब ये जो हमारा करंट फाइल ओपन है, इस करंट फाइल का नाम है एज कैलकुलेटर, और इसमें सीट 3 है, एक सीट का नाम है एज, दूसरे का नाम है कैलकुलेटर, तीसरे का नाम है सीट 3। अब इसी को हमको कॉपी करके ले जाना है, मूव करा के ले जाना है, पूरे के पूरे डाटा को डायरेक्टली किसी दूसरे फाइल में। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मूव होम रिबॉन के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट कमांड है, यहाँ पे मूव और कॉपी सीट है, इसको हमने क्लिक किया। अब इस जगह से हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फाइल का नाम। तो ये फाइल का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडर 14। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात ये है, अगर आप जिस भी फाइल में आप अपने डेटा को ले जाना चाहते हैं तो वो फाइल भी आपका ओपन होना चाहिए। अब इस अंडर 14.xls फाइल में 3 सीट है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अगर सीट 1 में ले जाना है तो सीट 1 को सेलेक्ट करेंगे, 2 में ले जाना है 2 को सेलेक्ट करेंगे, 3 में ले जाना है 3 को सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप नए सीट में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे मूव टू इंट। एक ऑप्शन यहाँ पे और आपको दिख रहा है, ये है क्रिएट ए कॉपी। क्रिएट ए कॉपी से क्या होना है ना, अगर हम इसको क्लिक नहीं करते हैं तो आपका जो रिकॉर्ड है वो टोटली रिकॉर्ड मूव हो जाएगा, इसका एक कॉपी यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर कॉपी बनाना है तो क्रिएट ए कॉपी को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके को क्लिक करेंगे। जैसे हम इतना करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा अब खुल गया फाइल अंडर 14, और अंडर 14 में ये फाइल हमारा आ गया, ये रिकॉर्ड आ गया, डेटा आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीट 1 है, ये सीट 2 है, सीट 3 है, और यहाँ पर सीट 3-2 आ गया, मतलब इसका दूसरा कॉपी आ गया। इस तरह से हम लोग मूव कर सकते हैं। तीसरी बात है टैब कलर। टैब कलर के लिए टैब कलर को क्लिक करते हैं, और यहाँ से कोई भी कलर को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान देना है
कि जिस सीट का टाइप का कलर आप चेंज करना चाहते हैं वो आपका सेलेक्टेड होना चाहिए, तो अभी एक्टिव होना चाहिए, तभी हमारा एक्टिव है सीट टू। तो अब हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं टैप कलर और यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं। सपोज करते हैं मैं ब्लू लेता हूँ, ब्लू को हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा सीट का कलर चेंज होके ब्लू हो गया। चलिए हम सीट वन के कलर को चेंज करते हैं। तो सीट वन को पहले एक्टिव कर लिए, फिर से हम आ गए फॉर्मेट में, यहाँ पे टैप कलर है और यहाँ पे हम रेड को क्लिक कर लिए। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होके हो गया टैप कलर रेड। इसका दोस्तों दो दो शॉर्टकट कीज भी है, मैं उसको भी बताना चाहूँगा। तो पहला शॉर्टकट कीज है, तो सीट को तो एक्टिव करना ही करना है, और पहला शॉर्टकट कीज है Alt+H+O+T। तो यहाँ पे Alt+H+O+T को हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। और यहाँ से हम कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी कलर लेना है। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और जस्ट हमने ग्रीन को क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं सीट टू का कलर हो गया ग्रीन। एक और शॉर्टकट कीज है, उसको भी मैं लगे हाथ बता ही देता हूँ। और ये शॉर्टकट कीज है Alt+O+H+T। तो सीट थ्री का मैं कलर चेंज करके दिखाऊंगा, Alt+O+H+T को हम प्रेस कर दिए, ये हमारे पास कलर का बॉक्स आ गया। यहाँ से आप चाहें तो कस्टम कलर भी ले सकते हैं, स्ट्रेंजर कलर भी ले सकते हैं। आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहें इस जगह से कलर को सेलेक्ट करिए और ओके को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया और ओके को क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका भी कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग टैप के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। हमने आज चर्चा किया था रीनेम सीट, मूव और कॉपी सीट और टैप कलर। तो फटाफट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, और यदि पुराने हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, हमको प्रमोट करिए, हमारे चैनल को प्रमोट करिए। आप ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।